भाई साहब निकलने दो, देखो कहाँ बीच में लेके खड़ा हुआ है। ये रोड बहुत खतरनाक था, पुलिस वाले खुद हेलमेट के बिना चल रहे हैं। देखो क्या पैसे ले रहा है रास्ते में रुके। ओ माइक टेस्टिंग टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, अभी मैं माइक टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा सेटअप किया है माइक का अच्छे से, क्योंकि अभी दबा के आप लोगों के लिए व्लॉग आने वाले हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 7:57। सोचा था निकलने के लिए कि सुबह 6:30-7 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गए। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्श वेंचर व्लॉग्स। तो फुल जोश वोश के साथ शुरू करते हैं व्लॉगिंग। और वैसे रमज़ान चल रहे हैं, मेरा रोज़ा भी है, सहरी करके मैं निकल गया एक रोड ट्रिप पर, और वो भी सोलो। देखो आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ तो है मेरे साथ। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, आगे बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। फ़िलहाल तो भगाते हैं जल्दी से, क्योंकि सुबह के 8 बज रहे हैं, ट्रैफिक का टाइम है और बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। और हाँ, माइक का सेटअप कैसा है वो बता देना यार, ख़राब ना हो, मैंने अभी तक चेक भी नहीं करा। तो जी बाइक में फुल करा देते हैं पेट्रोल, और देख के नीचे ना थोड़ा ऊपर रखना। सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है घर से निकलते, वरना इस टाइम तो मैं सोता रहता हूँ। और कितने दिनों बाद इसका टैंक फुल हुआ है, रेंज 310 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो मैंने यमुना रिवर क्रॉस कर लिए है, और यहाँ से अब निकल जाता है रास्ता मुरादाबाद के साइड में ये वाला। वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, गाड़ी वाले उधर चले जाते हैं और बाइक वाले इधर चले जाते हैं। और ये है लेफ्ट साइड में अक्षरधाम मंदिर। और वैसे मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। मैं ना कुछ टाइम पहले गांव गया था, आपने पिछले वाले ब्लॉग्स में देख ही लिया होगा, मैं गांव गया था तो तब मेरा गला ख़राब हो गया। एक तो ठंड लग गई थी थोड़ी मुझे। मैं बाइक पे पहली बार सोलो राइड कर रहा हूँ, वैसे कहीं बाहर गया हूँ, कहीं भी गया हूँ तो अपने ग्रुप के साथ गया हूँ, इतना मौका कभी सोलो राइड करने का मिला नहीं है। ओहो ओहो भाई साहब निकलने दो। तो सोलो जाने का भी ना अपना अलग ही मज़ा है। अभी ना सारे भाई बिजी है, अगर फ्री होंगे ना तो रोड ट्रिप का प्लान करेंगे। देखो पिछले साल मैंने किया था स्पीति, इस बार मेरा प्लान है जांस्कार करने का, लद्दाख करने का, नेपाल करने का। अब देखते क्या हो पाएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे ही मैं व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँगा ना रेगुलर, तो मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा, फिर रेगुलर ही व्लॉग्स बनाऊंगा। अभी तो थोड़ी सी डीमोटिवेशन मिल जाती है यार जब व्यूज नहीं आते। देखो कहाँ बीच में लेके खड़ा हुआ है, गलत बात है यार, ऐसे बीच में नहीं रखना चाहिए। हल्द्वानी है यहाँ से 236 किलोमीटर, बरेली 228 किलोमीटर और आपको 28 किलोमीटर, लेकिन हमें तीनों में से कहीं नहीं जाना। तो जी आ चुका है हमारे रोड ट्रिप का पहला टोल, और ये है 6000 टोल प्लाजा। अगर हम गाड़ी से आते हैं तो हमें देने पड़ते हैं 165 रुपीज़, लेकिन अगर बाइक से आ रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं। यही तो फायदा होता है बाइक का, थोड़ा सा पैसे बच जाते हैं। ये देखो निकल गए भाई, मज़ा आता है यार बाइक का ना, अपना अलग ही मज़ा है बाइक का यार। देखो कार में 10 खर्चे और जाते हैं। ये आ चुका है हापुड़ बाईपास, ये वाला जो रोड है ना कभी बहुत छोटा होता था, अब काफ़ी बड़ा कर दिया है। और सच बताऊं ये रोड बहुत खतरनाक था एक टाइम पे, इस पर एक्सीडेंट भी बहुत होते थे, अब तो ज़्यादा बड़ा कर दिया था इसलिए अच्छा है। अच्छा चलो आप लोगों को मैं कुछ बताता हूँ। देखो मेरे साथ मेरी क्रेटा कार भी जा रही है, वो सामने देख रहे हो, वो मेरी क्रेटा कार है, उससे आगे जो वैगन आर है वो भी मेरी, पूरी फैमिली हम जा रहे हैं गांव। एक ये वाली गाड़ी चला रहे हैं मेरे पापा, और आगे जो वैगन आर है वो चला रहा है रिजवान। रिजवान के साथ मेरे चाचा और मेरे मामा बैठे हुए हैं, और इस गाड़ी में पूरी फैमिली। तो अभी मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, पापा गाड़ी चलाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब बाइक चलाने के लिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा पापा चलाएँगे बाइक को, आगे खड़ी करता हूँ थोड़ा सा।
तो अभी चलाएंगे पापा बाइक को है होटल पर रुक जाइए वहाँ ऐसे ही बगैर हेलमेट के। ना ना हेलमेट पहनो ऐसे ना। मैंने ले लिया बाइक और अब मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में। रिजवान गाड़ी चला रहा है, सब फैमिली पीछे बैठी हुई है। पापा बाइक लेके गए आगे और ये चल रहा है आके बैग में तो दिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं बाइक को कितनी तेज लेके गए। बात तो है, पापा को बाइक पसंद आई, मज़ा आ रहा है इनको चलाने में। काफ़ी किलोमीटर से दे नहीं रहे, अब आगे सेवा ढाबा है वहाँ पर रुकेंगे, बोला तो है रुकने के लिए। इंडिकेटर दे दिया, आगे रुकते हैं। करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब कैसा लगा बाइक चला के कैसा लगा बाइक चला के? सही चल रही है, बढ़िया, अच्छी है। चलो बाइक तो बढ़िया है, सो रहा है। तो जी पापा को तो बहुत पसंद आई है बाइक, पापा ने चला के देखे, काफ़ी किलोमीटर चला ली होगी। और हम कैसे हो, कैसे हो बेटा? ठीक हो? आपके आईफोन में एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छी नहीं लगती? अच्छा देख रहे हो मेरे बेटे को ना प्रो पसंद है। कोई नहीं बेटा, 16 आएगा ना 16 तो मैं प्रो लेके आऊँगा, ठीक है? अल्ट्रा प्रो मैक्स लेके आऊँगा और बोलो 1 TV, ठीक है? तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हैं, गला ख़राब हो रहा है और बस मैं अब बाइक चलाऊँगा, बाइक भी रेडी है। अच्छा मैं बैग भी भूल गया था, बैग भूल गया था, तो मैं भी बाइक पे बैठता हूँ और मिलता हूँ अभी आप लोगों पे, आप लोगों से बाइक। जैसे ही थोड़ा टाइम बढ़ रहा है वैसे ही गर्मी भी बढ़ रही है। ये हमारे साइड में चल रही है गंगा रिवर, गंगा नदी। ये देखो नाव वगैरह भी सब रखी हुई है। और आज भाई साहब दिल खुश हो गया, ऐसे मुझे आप लोगों को ये सब दिखाना था। साइडलिंग कर रहा हूँ और देखो साइड में कितनी भरी हुई है यार गंगा, दोनों साइड में नाव वगैरह भी रखी हुई है साइड में, देखो है ना ज़बरदस्त। और जब यहाँ से ट्रेन निकलती है ना उस टाइम तो और ही मज़ा आता है। तो ये आ चुका है मेन गजरोला और ये गजरोला चोपला कहलाते हैं। जो मुरादाबाद साइड जाते हैं वो ऊपर फ्लाईओवर से निकल जाते हैं, नैनीताल वैनीताल साइड जाते हैं वो इधर से ऊपर से निकल जाते हैं, बाकी हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट। और यहाँ तो मेरी बाइक आई है यहाँ तक, लेकिन अब जो लेफ्ट मुड़ रहे हैं ना ये पहली बार जा रही है। इधर तो मैं मुरादाबाद आया हूँ, व्लॉग देखा है? नहीं देखा तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। मैं जब मुरादाबाद साइड आया था, यहाँ देखो पुलिस वाले खुद हेलमेट के बिना चल रहे हैं देखो, और जब इनको पैसे लेने होंगे ना तो उस टाइम यही पुलिस वाले हेलमेट का चलान करेंगे, क्या पता कुछ और मजबूरी भी हो सकती है भाई। ये आ गई रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग एक मिलती है गजरोला में और एक फिर सीधे मिलती है चांदपुर जहाँ हमारा गाँव है। देखो इधर देखो भाई साहब, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये दिक्कत है कि एक तो सिंगल रोड है, ऊपर से ना इस तरह के ट्रक भी चलते हैं और इधर से जो गाड़ी आती है वो बहुत फास्ट आती है, बहुत फास्ट। ये तो अब तो बहुत बड़ा रोड हो गया, तो पहले तो बहुत छोटा था। अब देखो है ना व्यू ज़बरदस्त, इधर पूरा दूर दूर तक खेत, इधर भी दूर दूर तक खेत, बाकी थोड़ा सा गांव भी है बीच में। यहाँ के पुलिस वाले देखो यार, वैसे मैंने 2 पुलिस वाले भी तक देख लिए हेलमेट के बिना चल रहे हैं और वो अच्छी पोस्ट पे ही है। और देखो कैसे ट्रैफिक लगा रखा है, पैसे ले रहा है रास्ते में रुक के। एक तो इतनी भरी हुई ट्रॉली, 2 मिनट में ट्रैफिक लग जाएगा। एक गन्ने की ट्रॉली, ये रही ट्रॉली कह रहा हूँ भाई, पूरा ट्रक है गन्ने की और एक इधर बराबर में है। ये देखो यह है नदी दोनों साइड में, देखो कितना मस्त लग रहा है, पूरी नदी भर भर के चल रही है। ओ मेरा छोटा वाला बेटा ना वोमिटिंग कर रहा है, अभी मैं बिल्कुल पीछे चल रहा था मेरे ऊपर आ जाता। ओ
पूरे कपड़े ख़राब कर लिए। क्या खाया था इसने? आपने ब्लॉग बनाया है? हाँ मैंने बनाया ना ब्लॉग, ये भी तो ब्लॉग बना रहा हूँ, आप भी तो ब्लॉग में आ रहे हैं। गाड़ी में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गोबरों में बैटरी खत्म होने वाली है। हाँ मैं वहाँ जाके बदलूँगा घर पे। और देखो कैसे देख रहा है, उल्टी कर दी स्ट्रॉबेरी खा के उल्टी कर दी। तो हम पहुँच चुके हैं चांदपुर में, गांव के पास यही शहर लगता है, हम यहीं आते रहते हैं। अभी पापा ने गाड़ी रोकी कुछ फल वगैरह लेने के लिए अफ्तारी के लिए शाम को। चलते चलते इतना टाइम हो गया और मेरे गोपरों की बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो मैं अभी रुक के बैटरी बदल दी। अब चल रहे हैं गांव की तरफ, यहाँ से अभी हमारा गांव 5 किलोमीटर और बचा है बस। चलो ये जो सीधा रोड जा रहा है ना, जो सीधा रोड जा रहा है यहाँ से निकल सकते हैं हरिद्वार। अब लेफ्ट से जा रहे हैं अपने गाँव के साइड, यहाँ से गंगा भी बहुत नज़दीक है। और भाई क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा। हम यहाँ बहुत आते थे बचपन में, जब तुम्हारे बराबर थे तब आते थे। गाड़ी खड़ी करती है इधर। तो हम पहुँच चुके हैं चांदपुर और रुके हैं यहाँ पे फल वगैरह लेने के लिए अफ्तारी के लिए। पीछे तो रुके थे लेकिन अच्छे नहीं मिल रहे थे। सेफली पहुंच गए अपने गांव और गाड़ी भी खड़ी कर दी है, बाइक यहां लगा दी है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है यहां पे, गाड़ी लगा रहे हैं और एक गाड़ी खड़ी है बाहर। एक 130 चला रहे थे, 130 हाँ इतनी तेज चला रहे, 130। गांव में आके जो रिलैक्स मिलता है ना, वो दिल्ली में नहीं मिलता, शहर में नहीं मिलता। यहाँ की हवाएं भी कितनी अच्छी है। बाइक कार ट्रैक्टर, अभी ट्रैक्टर से भी बहुत मज़े लेने हैं। बस इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करो। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय 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 बाय, टेक केयर।